भारतीय जनता पार्टी अर्बन मंडल की ओर से करनाल के उधम सिंह चौक से लेकर बुड्डाखेड़ा तक जाने वाली सड़क पर हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा के अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में मानसून के इस मौसम में पौधारोपण अभियान चलाने का कार्यक्रम किया गया है। उसी कड़ी में करनाल अर्बन मंडल की ओर से लगभग 1500 पौधे यहां लगाए जाएंगे। इसके अलावा पूरे शहर में 25,000 के करीब पौधे लगाने का संकल्प भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में पौधों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा करने का भी संकल्प लिया गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के चलते भी पूरे देश में पौधारोपण किया जा रहा है। उसी कड़ी में 5 अगस्त को भी पौधारोपण करने का आह्वान किया जाए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद, करनाल के मेयर रेणुबाला गुप्ता, अशोक सुखीजा, मुख्यमंत्री के विशेष प्रतिनिधि संजय बटला, गुरप्रीत सिंह भिंडर, शमशेर सिंह नैन, अनाज मंडी के चेयरमैन चौधरी इलम सिंह के अलावा भारतीय जनता पार्टी अर्बन मंडल से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। हरियाणा हरा भरा हरियाणा का जो ये मुहिम है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सोच के साथ कि हमारा हरियाणा जिस तरह विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, जो नाम से जाना जाता था हरा भरा हरियाणा, और इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में पौधे लगाए जा रहे हैं, और विशेष तौर से एक भावना एक मौसम का अनुरूप भी है। जिस तरह से हमारे बड़े भाई सुखीजा जी ने बताया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, और इसके साथ साथ हमारे राम मंदिर का जिससे देश की एक भावना जुड़ी हुई है, उसका भी निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। तो सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ते हुए हम यादगार बनाएं, इन 15 दिनों को हम यादगार बना दें कि इससे हमारा हरियाणा जाना जाने लगे, हरा भरा हो जाए। और सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ संजय बटला जी, सुनील गोयल जी, प्रवीण लाडू जी, सभी यहाँ पर उपस्थित होकर एक पौधारोपण का कार्यक्रम सांकेतिक तौर पर यहाँ पर किया है। पूरे शहर में आज पौधारोपण लगभग 15 दिन तक ये कार्य चलता रहेगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को और जितने भी आए हुए हैं उनको राखी की बधाई बहुत बहुत, और उसके बाद राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है 5 तारीख को, उसकी भी आप सभी को बधाई। और हम लोग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर और जिलाध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, सुखीजा जी और OSD साहब उन सभी की अध्यक्षता में ये हरियाली का जो प्रोग्राम है वो चला रखा है, और इसमें हमने ये पौधे लगाए हैं, कुछ पाम के हैं, नीम है, आम है और आंवला है, आम के पौधे भी हैं, नीम भी है, और ये इनमें से हमें ऑक्सीजन मिलती है। और हमने ये प्रण लिया है कि हम अपने इलाके को हरा भरा रखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन की कमी ना हो। अर्बन मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के अपने जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद जी के नेतृत्व में, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि संजय बठला जी, अशोक सुखीजा जी, सभी प्रमुख कार्यकर्ता आज यहाँ पर उपस्थित हुए और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। आज 107 पेड़ लगाने का ये संकल्प लिया है, इसमें 7 पेड़ पाम के हैं, बाकी और जितने भी पेड़ हैं हम दूर कुंजपुरा रोड तक इसको कंप्लीट करेंगे, और इसका हमने प्रण लिया है भी हम इनकी पालना भी करेंगे। हर रोज जो भी यहाँ पे आसपास के लोग जो सैर करने हमारे कार्यकर्ता आते हैं, इनकी देखभाल करेंगे, इनमें पानी डालेंगे, इनको जिंदा रखेंगे, यह ऐसा हमने संकल्प लिया है। माननीय जिलाध्यक्ष जी और भाजपा के सभी कार्यकर्ता, हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा अभियान के तहत आज अर्बन मंडल ने यहाँ वृक्षारोपण का, पौधारोपण का एक कार्यक्रम किया है। पूरे हरियाणा में इस तरह के कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं, आने वाले 16 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेंगे। हर व्यक्ति को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आसपास पेड़ जरूर, पौधे जरूर लगाने चाहिए। पौधे लगेंगे तो इसी से ही आगे हमें जीवन मिलना है। इतना ही कहना है, हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा। आज सेक्टर 9 शहीद उधम सिंह प्रमोद जी के जो स्थान, जो चौक बना, उस चौक से आज हमने हमारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने आह्वान किया था, आज लगभग करनाल जिले के अंदर 25,000 पौधों का पौधारोपण करने का जो अभियान हुआ शुरुआत की गई है। प्रत्येक मंडल में लगभग आप मान के चले कि 1500 पौधे हम लोग लगाने जा रहे हैं, और इन पौधों के पालन पोषण के संकल्प लेने के लिए उनको रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। इसमें सामाजिक संस्थाओं का, सोसाइटियों का, कार्यकर्ताओं का,
वहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का सबका बहुत सहयोग मिल रहा है और पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज जिस प्रकार की एक नई पहल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा की गई है, जिसका जो हमारे को निर्देश दिया गया है, उसकी अनुपालना करते हुए सभी कार्यकर्ता साथियों के साथ, सभी वरिष्ठजनों के साथ, सभी माता बहनों के साथ, सामाजिक संस्थाओं के साथ सेक्टर 9 के अपना शहीद उधम सिंह चौक से इस अभियान की शुरुआत की है। मैं प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को भी आह्वान करता हूँ, नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि इस प्रकार के अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। पर्यावरण का संदेश, पर्यावरण को बचाने का संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो ये पर्यावरण है, ये जो पौधे लगा करके हम हरा भरा हरियाणा का जो हमने संकल्प लिया है, उससे हमारे समाज को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा श्वास लेने के लिए, एक अच्छा पर्यावरण, एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए जो ये एक अच्छी और सुंदर पहल की गई है, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट करता हूँ, यहाँ के संयोजकों का आभार प्रकट करता हूँ, RWA का आभार प्रकट करता हूँ और इस अभियान को आगे निरंतर हम चलाते रहेंगे। 16 तारीख तक, 16 अगस्त तक का ये अभियान है। 16 अगस्त तक हम जितने पौधे मैक्सिमम लगा सके लगाएंगे और उनका रक्षा सूत्र बांधकर उनका पालन पोषण का संकल्प लेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.